नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं वो है दोस्तों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर यानी JNVU जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BE LLB, BA LLB सभी के दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैं आपको दो अलग अलग तरीक़ों से एडमिट कार्ड निकालना बताऊंगा और आप अपने कितने तरीक़ों से, जैसे रोल नंबर के माध्यम से, फॉर्म नंबर के माध्यम से या फिर आप अपनी जनरल डिटेल के माध्यम से एडमिट कार्ड देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सभी तरीके बताऊँगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन जो की है JNVU के एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गरिमा बोथरा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आपको करना क्या है? दोस्तों, आपको मैं पहला तरीका जो बता देता हूँ वो दोस्तों है कि आपको, आप क्रोम में जाइए दोस्तों। आप जैसे ही क्रोम या फिर आपके पास जो कोई भी ब्राउज़र है वहाँ पर आप दोस्तों सबसे पहले सीधा लिख दीजिए JNVU। दोस्तों, जैसे ही आप दोस्तों देखेंगे कि आपने JNVU लिखा, आपकी एक लिंक खुल जाएगी दोस्तों। JNVU पे जो आपका पहला ही लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्रोम में आप देखेंगे आपके पास में टैब का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट पे जाइए दोस्तों। डेस्कटॉप साइट का अर्थ होता है दोस्तों जब आप कंप्यूटर में इस साइट को चलाते हैं तो ये इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें आप नीचे देखेंगे दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट्स लिंक में आपको तीन नंबर लिंक का वो दिखाई देगी दोस्तों, डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही आप दोस्तों डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके BA फर्स्ट ईयर 2018-2019, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, BA LLB, BA LLB नाइन्थ, BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर आदि के दोस्तों एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप इसे तीन तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। एक तो आप फॉर्म नंबर के माध्यम से देख सकते हैं, दूसरा यदि आपने फॉर्म नंबर के माध्यम से एक बार अपना एडमिट कार्ड देख लिया और मान लीजिए आप उसे भूल गए एडमिट कार्ड को कहीं, तो आप यदि आपने रोल नंबर नोट कर लिया तो आप रोल नंबर के माध्यम से भी उस एडमिट कार्ड को दोस्तों देख सकते हैं। और तीसरा जो आपका हो जाता है वो होता है नेम के माध्यम से दोस्तों। इसमें आपको अपनी नेम और डेट ऑफ बर्थ लगानी है। जैसे ही आप अपने यहाँ पे नेम और डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। अब आपको इसकी लिंक मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और दूसरी सीधी लिंक जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने उस लिंक को कॉपी कर रखा है दोस्तों। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों देखेंगे कि आपके पास सीधा इस प्रकार का कोडिंग आएगी, उसको आप क्लिक कीजिए दोस्तों, JNVU एडमिट कार्ड डाउनलोड। जैसे ही आप उस कोडिंग को दोस्तों ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही वापस साइट खुल चुकी है दोस्तों। इसमें भी आप अपने इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड है वो दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दोस्तों प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल गरिमा बोथरा के साथ। दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा, धन्यवाद।